प्रिय छात्र अध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक प्रकार से होंगे और ठीक प्रकार से रह करके अध्ययन मनन कर रहे होंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व की थ्योरी यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के संबंध में बात की थी, जिसमें व्यक्तित्व के शिविरों सिद्धांत और व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत, जिसमें आइजंग, मैस्लो और मुर्रे के सिद्धांतों पर बात हुई थी। उन्होंने किस प्रकार से अपने सिद्धांतों पर मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय वेदनाओं या जो भी मानसिक कार्य हैं, वो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान करने में सहायता करता है और तनाव में होता है, चिंता में होता है, चिंता को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उसी सब के क्रम में वह हमेशा तनाव में भी बना रहता है, चिंता में बना रहता है और तनाव को, चिंता को दूर करने के लिए वो बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे प्रक्रम करता है, जिसके द्वारा वह अपनी समस्याओं को दूर करता है। तो ये इस पर बातें लगभग हो गई थी। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, मेंटल हाइजीन, मानसिक आरोग्यता, जो आपके कोर्स वन के यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है, मेंटल हाइजीन। आज हम लोग उस पर बात करेंगे और किस प्रकार से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके अध्ययन को प्रभावित करता है, उसके सीखने को प्रभावित करता है, और अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। लगभग एक दो तीन वीडियो जितने में हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मानसिक आरोग्यता क्या है, सबसे पहले इसकी हम लोग मीनिंग जानते हैं, इसके जो सामान्य अर्थ हैं, इसके जो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी जो बातें बताई, तो इन सारी बातों पर हम लोग जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अगर हम देखें तो एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, मानसिक बीमारी ना होने देने के संबंधित जो तथ्य हैं उनको वह बताता है, उनको वह उजागर करता है, जिससे व्यक्ति उनको जान करके, समझ करके मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो सके। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में हमें बहुत पहले ही जानने को मिला है, बहुत पहले से ही इसके विषय में चर्चा हुई है या उसमें प्रसंग मिले हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को अगर हम देखें तो मानसिक आरोग्यता के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मानसिक आरोग्यता विज्ञान अथवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय अगर हम देखें तो CW पियर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? CW पियर्स को दिया जाता है। प्रश्न कई कई पूछा जाता है, एक नंबर पूछा जा सकता है कि मानसिक आरोग्यता, मेंटल हाइजीनिक या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? WC पियर्स। पियर्स ने 24 वर्ष की आयु में, उनकी आयु 24 वर्ष थी, उस 24 वर्ष की आयु में किसी कारणवश आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया था, और उस असफल प्रयास में वो सफल न हो पाने के कारण बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाने पर, जब वह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा को इन्होंने सन 1908 में ए माइंड दैट फाउंड इट्सेल्फ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान
की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। और वीएस ने इस पुस्तक का मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान है, विशेष उसका प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1908 में मानसिक आरोग्य समिति की स्थापना हुई मानसिक आरोग्य समिति की स्थापना हुई। और इस समिति के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसके फलस्वरूप मानसिक आरोग्यता विज्ञान को शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो सकी, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली तथा लगभग सभी प्रकार के देशों में इस तरीके के मनोचिकित्सा केंद्र खुलने लगे या खुल गए। और तभी से धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होने लगा। तो इस तरीके से इसका प्रारंभ कहाँ से हुई, किस प्रकार से इसका फैलाव हुआ, किस प्रकार से इसकी व्यापकता बढ़ने लगी, इस पर थोड़ी सी चर्चा हमने उनके रूप में बताई। अब हम लोग आते हैं इसके क्या अर्थ हैं, क्या इसकी मीनिंग है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मानसिक आरोग्यता का अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या है, मस्तिष्क को स्वस्थ अथवा निरोग रखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना अथवा निरोग रखना। कि विज्ञान का अध्ययन, कि विज्ञान का अध्ययन ही मानसिक आरोग्यता का शाब्दिक अर्थ है। मानसिक मस्तिष्क को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, उसमें ऐसा कौन सा तत्व किया जाए जिससे कोई भी रोग ना हो सके, कोई व्याधि उसमें ना आ सके, तो इसके लिए इस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे मानसिक आरोग्यता के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान का व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ व रोग मुक्त बनाए रखने के नियमों और उपायों का अध्ययन करता है, ठीक वैसे ही उसी प्रकार से मानसिक आरोग्यता विज्ञान भी व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के मस्तिष्क को स्वस्थ तथा रोग से मुक्त बनाए रखने के नियमों व उपायों का अध्ययन करता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करके उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, जीवन की जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से, भलीभांति प्रकार से समायोजन करने के लिए सामर्थ्यवान बनाता है, जिससे वह विभिन्न जो परिस्थितियां उससे अच्छी प्रकार से समायोजन स्थापित कर सके। तो मानसिक आरोग्यता को हम अगर देखें तो इसको परिभाषित करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार इसको परिभाषित भी किया है। तो आइए हम कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक आरोग्यता, मेंटल हाइजीन के संबंध में क्या बताया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम ड्रेवर महोदय ने एक इसकी परिभाषित करने की कोशिश की है, इसको बताया, इसके अर्थ को, बताते ही इन्होंने कहा कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ या मानसिक आरोग्यता का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, तथा उसे बनाए रखने के उपाय करने से है। अर्थात जो मानसिक स्वास्थ्य के नियम हैं उनकी खोज करना, उनकी रिसर्च करना तथा उसे बनाए रखना, उसे हमेशा बना रहे, इसको उपाय करना ही मानसिक आरोग्यता है, ये ड्रेवर महोदय ने कहा। फिर एक है हेडफील्ड, उनके शब्दों में उन्होंने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया, उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसके अर्थ को बताया कि मानसिक आरोग्यता का संबंध, वह मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, तथा मानसिक संतुलन, जो असंतुलन है मानसिक, उसको रोकने से। दो चीज़ें इन्होंने इसमें बताई, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और जो मानसिक असंतुलन है उसको मानसिक संतुलन के रूप में परिवर्तित करना या ऐसा उपाय करना जिससे मस्तिष्क में असंतुलन किसी प्रकार का आ ही न सके, तो उसको रोकना, ये दोनों चीज़ें ही मानसिक आरोग्यता का में आता है।
या उसका संबंध इन दोनों चीज़ों से ही मस्तिष्क को इस प्रकार से स्वस्थ बनाया जा सके तथा उसके मानसिक जो असंतुलन है हो सकते हैं उसको रोका जाए, उसको उसके मस्तिष्क तक न पहुंचने दिया जाए। तो इसका संबंध जो है इससे मानसिक आरोग्यता विज्ञान से कुछ इसी प्रकार से शेफर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसको परिभाषित किया और कहा कि मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य, मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुखमय, अधिक समन्वित, अधिक शक्ति प्रभावशाली अस्तित्व की प्राप्ति में सहायता करना है। फिर सुन लीजिए, मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सुखमय, अधिक समन्वित तथा अधिक प्रभावशाली अस्तित्व की प्राप्ति में सहायता करना है। अस्तित्व की प्राप्ति क्या करना है? सहायता करना है। तो आप ये दो तीन जो परिभाषाएं भी बताए, इन परिभाषाओं की अगर हम देखें और अवलोकन करें तो इससे स्पष्ट होता है कि मानसिक आरोग्यता एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मार्ग है जिसको जिसका साध्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। जिसका क्या है साध्य? क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। यानी मानसिक आरोग्यता एक ऐसा साधन है ना, जिसका साध्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक आरोग्यता की विज्ञान की सहायता से, मानसिक आरोग्यता विज्ञान की मदद से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, व्यक्ति को मानसिक समायोजन से भी बचाए रखा जा सकता है तथा तो मानसिक रोगों, अगर फिर भी मानसिक रोग हो जाता है तो उससे उपचार करने के उपाय भी बताए जाते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें निकल करके आई हैं कि मानसिक आरोग्यता है क्या, कि मस्तिष्क को किसी प्रकार की रोग इत्यादि न होने पाए ऐसा उपाय करना, और अगर वायद भी हो भी जाए तो उसको दूर करने का, उसे स्वस्थ बनाने का, उसके रोग जो है उसको ठीक करने के उपाय को भी बताना। तो हमें लगता है कि मानसिक आरोग्यता से सभी को बातें स्पष्ट हो गई होंगी, उसके अर्थ के संबंध में आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मानसिक आरोग्यता के कुछ उद्देश्य हैं कि उन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अपने कार्य को करता है, अपनी जो भी सिद्धांत है उसके चलते। तो मानसिक आरोग्यता के उद्देश्य में कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, तीन उद्देश्य मेनली हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। पहला क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऐसा उपाय करना जिससे मानसिक स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए, है ना, या उसकी रक्षा की जा सके। दूसरा है मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना। मानसिक रोग जो है, जो मानसिक विकार है उसकी रोकथाम करना, उससे बचाव करना। तीसरा क्या है? मानसिक रोगों का उपचार करना। तो प्रमुख रूप से ये तीन उद्देश्य ही मानसिक आरोग्यता के हैं, कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकारों की रोकथाम करना तथा मानसिक रोगों का उपचार करना। ये तीन प्रमुख इसके उद्देश्य हैं। तो मानसिक आरोग्यता की उपरोक्त अगर तीन उद्देश्यों से स्पष्ट है कि मानसिक आरोग्यता के दो प्रमुख पक्ष हैं, अगर इसको देखें तो इसके दो प्रमुख पक्ष हैं। पहला एक क्या है? सकारात्मक पक्ष, और दूसरा नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये दो पक्ष हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के नियम अगर हम देखें, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के जो नियम हैं, नियम को बता करके जो विषम परिस्थितियों में समायोजन को प्रोत्साहित करना, ये इसका क्या है? सकारात्मक पक्ष है। फिर सुन लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के नियमों को बता करके, जो उसकी मानसिक आरोग्यता विज्ञान के नियम है उसको बता करके, विषम परिस्थितियाँ, जो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिससे वह समायोजन करने में अपने कठिनाई महसूस करता है, उन विषम परिस्थितियों में समायोजन को प्रोत्साहित करना, समायोजन से कर सके, ये इसका क्या है? सकारात्मक पक्ष है। दूसरा क्या है? नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष क्या है? मानसिक रोगों से बचाव करना तथा मानसिक रोगों का उपचार करना,
उपचार करना और बचाव करना ही क्या है, उसका नकारात्मक पक्ष है, यानी उसका उपचार करना और बचाव करना नकारात्मक पक्ष है। जबकि नियमों को बता करके, मानसिक आरोग्यता के नियमों को बता करके विषम परिस्थितियों में समायोजन को प्रोत्साहित करना, यह क्या है, इसका सकारात्मक पक्ष। इस तरह से हम देखें कि उद्देश्य दृष्टि से इसके दो पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में ये चीज़ें आती हैं जो ही मानसिक आरोग्यता के नियम हैं, उसको बता करके व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। तथा मानसिक रोगों से बचाव करना, उसका उपचार करना, यह क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष है। तो इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मानसिक स्वास्थ्य के पक्ष होते हैं। हमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं, ऐसी कौन चीज़ें होती हैं जिसको देख करके हम जान सकते हैं या पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहला क्या है, संतुलित एकीकृत तथा समन्वित विकास। संतुलित एकीकृत तथा संतुलित विकास, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, वे व्यक्ति संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक प्रक्रियाओं का एक संतुलित स्वीकृत तथा समन्वित विकास उनका होता है और वह अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राथमिकता की दृष्टि से जो लक्ष्य उद्देश्य ज़्यादा आवश्यक हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं, उनको पहले और उससे जो अपेक्षाकृत कम उपयोगी है उनको बाद में, इस तरीके से प्राथमिकता की दृष्टि से उसे वह क्रमबद्ध रूप में विकसित करता है, उसका विकास करता है। तो ये तो पहला लक्षण हो गया जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। दूसरा है नियमित दिनचर्या। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनकी दिनचर्या एक नियमित होती है, क्रमबद्ध ढंग से होती है, सही समय पर उठना, सोना, भोजन करना, चिंतन अध्ययन मनन करना, पूजा पाठ करना, जो भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं उनका एक नियमित शेड्यूल होता है और उस नियमित शेड्यूल के अनुसार ही वे कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जब कभी मन किया सो लिए, जब कभी मन किया भोजन कर लिए, जब मन किया कोई काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। उनका काम क्या होता है, पूरा एक तरीके से सिस्टमेटिक होता है, उनकी दिनचर्या एक तरीके से नियमित होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रायः जीवन नियमित रूप से व्यतीत करते हैं, उनका जीवन नियमित होता है, उनके रहन सहन, खान पान, सोने जागने तथा अन्य जो भी क्रियाकलाप हैं इत्यादि के कुछ निश्चित आदतें होती हैं, कुछ अच्छी आदतें, हैबिट्स होती हैं, जिन्हें वह स्वाभाविक ढंग से ही पूरा करते हैं। तो एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का एक लक्षण ये भी है कि उसकी दिनचर्या जो होती है कैसी होती है, नियमित होती है। अगला है समायोजन योग्यता। समायोजन योग्यता क्या है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वे अपने भौतिक तथा सामाजिक जो वातावरण है उसके साथ शीघ्रता से समायोजन कर लेते हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं, वे भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ शीघ्रता से अच्छी प्रकार से समायोजन कर लेते हैं। तो ये तीसरा लक्षण है, समायोजन की योग्यता उनमें होती है। वो कभी भी अपने को ऐसा नहीं महसूस करते कि वो समायोजन करने में उनको कठिनाई आ रही, वो अच्छी प्रकार से उससे समायोजन कर लेते हैं, ये भी एक लक्षण है। फिर अगला है सांवेगिक परिपक्वता। सांवेगिक परिपक्वता क्या है, सांवेगिक परिपक्वता से यह आशा है कि जो भी व्यक्ति के संवेग हैं, जो भी उसके जागृत हो रहे हैं, उन संवेगों को तर्क वितर्क के माध्यम से कब, किस समय, किस रूप में, किस स्तर तक संवेग को प्रयोग करना है, उस पर एक तरीके से उनका कंट्रोल होता है, उस पर एक तरीके से उनका नियंत्रण होता है। तो इस तरीके सांवेगिक परिपक्वता भी उनमें देखी जाती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक दृष्टि से काफ़ी परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि संवेगों से वो कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होते, अर्थात उनका अपने संवेगों पर अच्छा खासा नियंत्रण होता है। जहाँ पे जिस प्रकार के संवेग की जिस रूप में व्यक्ति होना चाहिए उसको उसी रूप में व्यक्त करते हैं। तो एक ये भी लक्षण है। आत्मविश्वास, ऐसे व्यक्ति
काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से कोई उनको रोग नहीं है, वह स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना बहुत ही अधिक प्रबल होती है। उन्हें यह विश्वास होता है, उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि वह जो बहुत सारे कार्य हैं, विभिन्न कार्य हैं, उनको वह उचित ढंग से, अच्छी प्रकार से और सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उन्हें आत्महीनता की भावना से वह पूरी तरीके से पूर्णतः मुक्त रहते हैं, उनमें आत्महीनता की भावना कभी नहीं आती। तो एक लक्षण ये भी है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें आत्मविश्वास काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। सहनशीलता, अगला क्या, सहनशीलता। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत होती है, उनमें धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है और वह जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उससे आने पर वो कभी उससे निराश नहीं होते हैं, बल्कि उसका वह बलपूर्वक सामना करते हैं और उस कठिनाई को एक अच्छे प्रकार से स्वस्थ माहौल में सकारात्मक रूप से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनमें सहनशीलता की भी अधिकता होती है। ऐसे व्यक्ति में पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। फिर अगला है निर्णय करने की योग्यता। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें निर्णय करने की योग्यता होती है, वे सही समय पे, सही रूप में और सही तरीके से निर्णय लेने में काफ़ी सक्षम होते हैं और उनका निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें उचित निर्णय लेने की काफ़ी योग्यता एवं क्षमता होती है, वह स्पष्ट रूप से विचार करके जो विभिन्न कार्यों के संबंध में उचित और अच्छा निर्णय लेते हैं। वास्तविकता की स्वीकृति, अगला क्या है, वास्तविकता की स्वीकृति। जो भी वास्तविक चीज़ें हैं, यथार्थ चीज़ें हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनको स्वीकार करने में थोड़ा भी कोई संकोच झिझक नहीं होती है। जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह सुसमायोजन व्यक्ति काल्पनिक संसार में बहुत कम विचरण करते हैं, अपना उसमें समय नहीं नष्ट करते हैं, वरन व्यवहार वास्तविक संसार में यथार्थ जगत में अपना कार्य करते हैं और उनका जीवन दर्शन एक तरीके से वास्तविकता पर आधारित होता है, यथार्थता पर आधारित होता है, सत्यता पर आधारित होता है। वे बहुत काल्पनिक नहीं होते हैं, कल्पना लोक में विचरण करने वाले नहीं होते हैं, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। एक और लक्षण है आत्ममूल्यांकन की क्षमता, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें अपना मूल्यांकन करना कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी क्षमता है, क्या उनकी योग्यता है, क्या उनके दृष्टि से सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों का वे मूल्यांकन कर लेते हैं और वह अपने गुणों, दोषों, विचारों, इच्छाओं आदि की उपयुक्तता को अच्छी प्रकार से भलीभांति से समझते हैं। तो इस प्रकार से उनमें आत्ममूल्यांकन की भी योग्यता होती है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। अकेले लक्षण अगला कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फेक्शन। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वह अपने कार्य तथा व्यवहार में रुचि लेते हैं, उसको अच्छे प्रकार से रुचिकर ढंग से करते हैं तथा उसे पूरा करके, तथा जब उनका वो कार्य पूरा हो जाता है तो उनको संतुष्टि भी प्राप्त होती है, वह उससे संतुष्ट भी होते हैं। तो अर्थात वे अपने कार्य से जो करके और उस कार्य के परिणाम स्वरूप उनको जो फल मिलता है, जो एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, उससे वे काफ़ी संतुष्ट होते हैं और उनमें उसके प्रति एक अच्छी भावना होती है। इस तरीके से मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो भी अभी हम लक्षण बताए होंगे, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, निरोग। तो ये चीज़ें हैं, ये लक्षण हैं, ये लक्षण देख करके आप जान करके समझ करके पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तथा कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये सारे लक्षण, इनमें से कुछ लक्षण अगर आपको किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ होगा। और इनमें से कोई लक्षण उसमें ऐसा हो कि न दिखाई दे या न परिलक्षित हो तो समझ जाए कि कुछ न कुछ मानसिक उपचार की जरूरत है, कुछ न कुछ उसको मानसिक दिक्कतें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग लक्षण अब जान गए
तो लक्षण जानने के पश्चात हम यह जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि इनके समायोजन के कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे व्यक्तियों में मानसिक व्याधियाँ आ जाती हैं, मानसिक रुकावटें आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति सही प्रकार से अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो कुछ कुसमायोजन के प्रमुख कारण हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो कुसमायोजन के प्रमुख कारण, कुसमायोजन के एक ऐसी स्थिति है, कुसमायोजन एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण नहीं होते, जिसके कारण नहीं है बल्कि बहुत सारे कारण हैं। तो उन सारे कारणों को कुछ मनोवैज्ञानिक जिनमें फ्रायड, हिटलर, यंग आदि ने इस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बालकों के कुसमायोजन के कई कारण बताए हैं, और इनमें से प्रमुख कारण जो हैं उस पर हम लोग अभी बातें करते हैं। सबसे पहला क्या है? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। पहला कारण क्या है? कुंठा। जब बालक की जो प्रमुख आवश्यकताएँ होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, उसको वह नहीं मिल पाता है तो वह संतुष्ट नहीं होता है, वह सेटिस्फाई नहीं होता है। और तो उनमें धीरे धीरे, अगर ये बार बार उसके साथ ऐसा होता है कि जो भी उसकी ज़रूरतें आवश्यकताएँ उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे 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 उसमें कुंठा की भावना ग्रसित करने लगती है। और एक समय ऐसा होता है, हो जाता है कि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, जब उसमें कुंठा की भावना बहुत अधिक घर कर जाती है। तो उसकी जो आवश्यकताएं उससे नहीं मिलती तो उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो उनमें कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब कुंठा की मात्राएँ धीरे धीरे असहनीय हो जाती हैं, अपने चरम पर पहुँच जाती हैं, तो बालकों का व्यवहार कुसमायोजित होने लगता है और अन्य बातों के अतिरिक्त उनमें चिड़चिड़ापन, आक्रामकता भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से उनमें इन चीज़ों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो व्यक्तियों में कुंठा होती है। तो सबसे पहला कारण क्या है? समायोजन का कुंठा। दूसरा क्या है? शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट, देखिए हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक बनावट, रूप रंग अलग अलग होता है, उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो प्रकृति के द्वारा उसे प्रदान किया गया है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति की ऐसी शारीरिक बनावट होती है कि उससे क्या होता है कि लोग उसको थोड़ा सा दूसरी निगाह से देखते हैं और उसकी जो शारीरिक बनावट है सामान्य से हट करके होती है। तो ऐसे बालक की अन्य बालकों द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, मजाक उनका बनाया जाता है, तो इससे बालकों के मन में एक तरीके से आत्महीनता की भावना जागृत हो जाती है, पनपती है, और धीरे धीरे उनमें इस आत्महीनता के कारण उन्हें कुसमायोजन का कारण या कुसमायोजन का व्यवहार तरीके से जन्म लेने लगता है। तो दूसरा ये भी शारीरिक बनावट भी एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी बना सकता है। अगला गरीबी। गरीबी एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं कभी कभी वो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें, वह उसका जीवन जो है भाव में गुजरने लगता है। तो ऐसे जो समायोजन है, गरीबी है, उसका एक तरीके से हम देखें तो धनात्मक सा संबंध, जितना ही व्यक्ति गरीब होगा उसमें उतना ही अधिक समायोजन आएगा, तो दोनों में एक तरीके से धनात्मक सा संबंध है। और अधिकतर कुसमायोजन समायोजित जो बालक होते हैं उनका जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर क्या है, बहुत ही निम्न होता है। और इसका मूल कारण यह है कि ऐसे परिवार के माता पिता और जो अभिभावक हैं वे अपने बच्चों की जो उचित आवश्यकताएँ हैं, जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसको भी पूरा करने में असमर्थ अपने को पाते हैं, और जिससे इनमें धीरे धीरे कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है और ऐसे बालक तरीके से कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। तो गरीबी भी एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी बना सकती है। अगला है बिखरे घर, ब्रोकन होम्स। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का तात्पर्य है कि वैसे घरों से होता है जो माता पिता में संबंध विच्छेद हो जाने के कारण, जो माता और पिता में संबंध विच्छेद हो जाने के कारण या उनमें एक दूसरे से अलग हो जाने के कारण या मृत्यु हो जाने के कारण
न्यायालय में माता पिता में अलगाव हो जाने के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अन्य कोई कारण, कोई शारीरिक या मानसिक पंगुपन का कारण, एक तरह से वीरान एवं अस्त व्यस्त हो गया, तो इस तरीके के जो ब्रोकन होम्स हैं इनके घर में जो पल रहे बच्चे होते हैं, तो ऐसा एक ब्रेकर नामक मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो ऐसे बालकों को अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से उचित प्यार स्नेह नहीं मिल पाता है, सहानुभूति सुरक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनके अभाव में बालकों का व्यवहार सांवेगिक रूप से अस्थिर हो जाता है और वह क्षुब्ध हो जाते हैं तथा उनमें कुछ समायोजन धीरे धीरे विकसित होने लगता है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो एक ये भी प्रमुख कारण है ब्रोकन होम्स, जो व्यक्ति को व्यक्ति के कुसमायोजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। माता पिता की मनोवृत्ति, अगला क्या है, माता पिता की मनोवृत्ति। माता पिता की मनोवृत्ति विशेषकर प्रतिकूल मनोवृत्ति में जो बालक हैं या बालक जो पल रहे हैं उनका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। जब माता पिता बालकों को अस्वीकृत कर देते हैं तथा इससे उनके अहम में अगर ऐसा कर देते हैं उनके अहम में को भी ठेस पहुँचती है और वह अपना न्यूना जो न्यून आवश्यकताएँ हैं उसको भी वे नहीं कर पाते हैं और वो अपने को बहुत असहाय महसूस करने लगते हैं और उनमें धीरे धीरे असुरक्षा की भावना, लाचारी, अकेलापन, ये सब के भाव जागृत हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे बालक को धीरे धीरे कुसमायोजित होने लगते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी प्राय देखा गया है, कुछ माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से अधिक प्यार एवं स्नेह देते हैं, तो अत्यधिक प्यार एवं स्नेह देने के कारण भी बालकों में कुसमायोजन की बातें देखी जाती हैं, कुसमायोजन की बातें देखी जाती हैं। तो अत्यधिक लाड प्यार का मिलना भी और बहुत अधिक तिरस्कार का होना भी दोनों अवस्था में बालकों को कुसमायोजित बना देती है और ये दोनों कारण ही बालकों को मानसिक रूप से रोगी बना सकते हैं। तो जैसे बहुत जिसको लाड प्यार मिलता है बच्चे आगे क्या करते हैं, सेखी बघारना, आक्रामक व्यवहार करना, आक्रामक व्यवहार दिखाना, उत्तरदायित्व को नहीं निभाना, आत्मकेंद्रिता आदि सारी भावनाएं उनमें देखने को मिलने लगती हैं और मानसिक रूप से धीरे धीरे रोगी हो सकते हैं। तो अगला क्या है, तो ये भी एक प्रमुख कारण अंगीकरण, एडॉप्टेशन। अंगीकरण क्या है, ऐसा अध्ययनों में पाया गया है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन में बताया है, स्पष्ट किया है कि जो दत्त बालक हैं या गोद लिए गए बालक हैं वो सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक कुसमायोजित होते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी अपेक्षा उनमें कुसमायोजन की बातें अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसका कारण यह है, इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे बालकों को जब और उनके माता पिता के संबंधों की जो वास्तविकता है उसका पता चलता है तो तब उन्हें एक तरीके से मानसिक पीड़ा होती है, एक तरीके से मानसिक दुख होता है और आघात लगता है और उसमें हीनता की भावना भी उसमें पनपती है और धीरे धीरे बालक को वह समायोजित बना देती है। इस तरीके से जो एडाप्टेशन बालक हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षाओं में कुसमायोजन की बातें अत्यधिक देखी गई हैं, अत्यधिक पाई गई हैं, या मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के द्वारा ये चीज़ें बताई हैं। अगला नियोजन संबंधी असुरक्षा, नियोजन संबंधी असुरक्षा प्राय भी एक मानसिक असंतुलन या मानसिक कुसमायोजन में प्रमुख भूमिका अपना निभाता है। जब भी किशोर होते हैं पढ़ाई अपनी पूरी करने के पश्चात उनको उनके अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अगर उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं तो अवसर न मिल पाने के कारण वे अपने को किसी अन्य कार्य में लगाते हैं जिससे उनमें एक तरीके से बड़ा ही हीनता की भावना आती है और वह धीरे धीरे उनमें कुछ समायोजन की बातें देखने जाते हैं और प्रायः मानसिक रूप से रोगी भी हो सकते हैं। तो किसी प्रकार की नौकरी कर अपने वे जो जीवन यापन करते हैं
लेकिन उनको आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र बनना नहीं पाती, जबकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, परंतु जब उन्हें उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती है, ऐसा नहीं हो पाता है, तब उनमें चिंता धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है उसके प्रति, और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और इन भावों का शिकार जब हो जाता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे उनका जो व्यवहार है वह कुसमायोजित होने लगता है। तो ये भी एक ये भी कारण है कि नियोजन संबंधी जो सुरक्षा है वह भी किशोरों को मानसिक रूप से आरोगी बना सकती है या रोगी बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। अगला, मनोरंजन के साधन में कमी। प्रायः देखा गया है कि बालकों को मनोरंजन के पर्याप्त साधन जब नहीं मिलते हैं या उनका मनोरंजन नहीं हो पाता है, तो बालक ऐसे तरीके से घुटन का जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी अनेक मानसिक जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनका दमन भी हो जाता है और बालकों में संवेगात्मक तनाव इससे बढ़ जाता है और उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है तथा अन्य दृष्टिकोण से वे अगर देखा जाए तो कुसमायोजित पाए जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। अगला, धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास क्या है? प्रत्येक बालक को अपने माता पिता के धर्म को पालन करना, उनको मानना, उनके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, चाहे वो अपने मन से करें या दबाव बस करें, लेकिन वैसे करना पड़ता है। कभी कभी कुछ बालक का व्यवहार ऐसा करने से बचता है जिसका कि स्पष्ट तथा वह उसका तर्क नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग को क्यों कहा जाता है, ऐसे हमारे माता पिता क्या करते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि उसमें धीरे धीरे इसके प्रति घुटन होती है, इसके प्रति वो एक तरीके से नहीं करने चाहते हैं, फिर भी दबाव बस उनको करना पड़ता है, तो घुटन उत्पन्न होती है और बालक में मानसिक तनाव बढ़ जाता है और जिससे बालकों में कुसमायोजित व्यवहार उत्पन्न होने लगता है और इसकी संभावना काफ़ी अधिक बढ़ दी जाती है। तो एक ये भी प्रमुख कारण है जो बालक को मानसिक रूप से रोगी बना सकता है, मानसिक रूप से कुसमायोजित बना सकता है। एक कारण और है बालकों के प्रति यौन आधारित व्यवहार। बालकों के प्रति यौन आधारित व्यवहार, ये क्या है? भारत में अभी बहुत से घर हैं या परिवार हैं जहाँ पे लड़कों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनकी अपेक्षा बालकों को श्रेष्ठ समझा जाता है, अधिक मूल्यान वस्तु समझा जाता है उनको। इसी के अनुरूप माता पिता का व्यवहार लड़कों के प्रति क्या होता है, इस ढंग का होता है कि लड़कियों के प्रति वह दूसरे ढंग का व्यवहार करते हैं, यानी दोनों में भेदभाव करते हैं। तो इससे लड़कियों के मन में एक तरह से मानसिक आघात पहुंचता है, मानसिक रूप से पीड़ा उनको होती है और उनमें एक तरीके से हीनता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, वह तनावग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके व्यवहारों में समायोजन भी उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरीके से जो तो बातें बताई गई 9-10 बातें करी, तो ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इन सारे कारणों को जान करके समझ करके बालक, माता पिता तथा अध्यापक को यह चाहिए कि इन सारे कारणों को शिक्षा के द्वारा बच्चों को दूर करने की कोशिश करें, जिससे बालकों में मानसिक असंतुलन, मानसिक कुसमायोजन या मानसिक विक्षिप्तता न उत्पन्न हो सके और उनको मानसिक रोगी होने से बचाया जा सके। तो यह प्रयास माता पिता और बालकों या शिक्षक या उसके जो अन्य पालनकर्ता हैं उनके द्वारा किए जाने चाहिए। तो इन कारणों का ज्ञान अगर हो जाए एक शिक्षक को, तो वह बालकों कि कुसमायोजित व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद मिल सके और मदद लेकर के वह बालकों में ही सारे व्यवहारों को उनके अंदर ना पनपने पाएँ, उससे उनको बचाए रखें, जिससे मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके। तो इस पर ये सब बातें हैं जिससे बच्चों को मानसिक रूप से रोगी होने से बचाया जा सकता है। तो अब बातें आती हैं शैक्षिक आयोजनों द्वारा मानसिक आरोग्यता की प्रोन्नति या कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे अधिक उठाया जा सकता है,
तो ये सारी बातें भी आती हैं। तो इसकी चर्चा हम अपने दूसरे क्लास में या अन्य वीडियो में करेंगे कि शैक्षिक आयोजनों द्वारा कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे बच्चों में मानसिक आरोग्यता को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो इसमें प्रमुख बातें हैं इसको हम लोग अपने नेक्स्ट या अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझिए, और जो भी चीज़ें नहीं स्पष्ट हो पाती उसको आप जो भी ऑनलाइन क्लास चलते हैं, लाइव क्लास होते हैं, तो उसमें आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, प्रश्न के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से पूरी भी कर सकते हैं। तो आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।